जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान राकेश टिकैत जिंदाबाद राकेश टिकैत जिंदाबाद। आप सरकार ने कल विस्तार किया आपने मंत्रिमंडल आप मंत्री का विस्तार कर रहा क्या लग रहा है सर सरकार को क्या लगता है वार्ता नहीं कर सकती आपसे कोई बात नहीं बनती दिख रही है आप महीने दो दो बार प्रदर्शन करते हैं रोड पर पहले ये भी करा कर दे पड़ता सर काफी लोग सरकार को पहले ये हमारे साथ पहले ये भी करा कर को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं कह रहे हैं कि दिल्ली जाकर आपका इलाज होगा और दिल्ली का इलाज भी आप पहुँच के दिखाएंगे इलाज क्या है इलाज करेंगे देंगे दवाई क्या दवाई देंगे बंगाल में दिए यहाँ पर वही दवाई देंगे तमाम मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं सिलेंडर लेकर आज खड़े हैं लेकिन सरकार 7 महीने हो गए सुनने को तैयार नहीं है सिलेंडर और अगले 7 महीने सर सिलेंडर लेकर तो स्मृति ईरानी आती थी आपके यहाँ आई है वो कहीं ₹350 पे वो कर दी थी अब तो ₹800 का रेट होगा। ठीक है आपने कहा कि राज्यपाल जो है या फिर राष्ट्रपति है वो मानेंगे राष्ट्रपति ने तो खुद इस विधेयक को कानून बनाया आपको क्या लगता है आपके जाने से बात करने से अब मान जाएंगे बात 7 महीने से कर रहे हैं अब तक नहीं माने अच्छा कैसे कर रहे हैं आंदोलन आपके नाम बताओ आपकी रणनीति क्या है आप कैसे आप बताओ सारे सब पढ़े लिखे हो कैसे आंदोलन कर रहे हो ये वो देश का किसान है जो कोरोना काल में भी लगातार डटा रहा है लाठी खाते सरकार नहीं मान रही क्यों नहीं मान रही पुलिस की लाठी खाते रहे कानून चलाते रहे आम जनता के हिसाब से आप यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन अब उन्हीं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आम जनता के लिए क्या संदेश है कितना सपोर्ट और चाहिए आम जनता से आम जनता तो पूरा सपोर्ट करती है और महंगाई के लिए बढ़ती महंगाई के लिए तमाम और मुद्दे प्रदेश में हो रहे हैं धर्मांतर को लेकर लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं धर्मांतर हो रहा है धर्मांतर क्या है हमला पर धर्मांतर चुनाव में तो यही मुद्दा आ गया है वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं बाबा राम लोग कहते थे कि मोदी जी से हम बात करेंगे ₹60 मिलेगा आपको पेट्रोल सिलेंडर लेकर यहाँ पर सिलेंडर एक बार पूछ लेते हैं सर महंगाई का मुद्दा आपके मुद्दे में जुड़ गया है सिलेंडर लेकर क्या वजह जानना चाहेंगे अरे घर से तो देने पड़े इसके कोई और सरकार के खाते सावे पैसा जब जेब में तो जा तो वही कहना तो पड़ेगा या जेब में तो गए हुए नोट को कहना कहाँ कहाँ सिलेंडर लेकर आप लोग यहाँ पर मौजूद अरे सिलेंडर तो घर में दे तो जाए पैसे सिलेंडर कहीं और था पेट्रोल डीजल और तमाम दामों पर सारे इशू पे भाई महंगाई पे कहाँ कहाँ प्रदर्शन चल रहा है थोड़ा जानना चाहेंगे आपने बात की होगी पूरे देश को तो राकेश टिकैत साहब ने सुना उन्होंने कहा अब कब दिल्ली कूच करेंगे कब करेंगे अगली तारीख नहीं बताते बिना तारीख के चलेंगे तारीख के साथ प्रदर्शन किया है आपने लेकिन तारीख के साथ बता देंगे जब जाने चलेंगे सर जो विपक्ष चलिए आप भी दिल्ली चलिए ठीक है जी जो काम विपक्ष का होता है वो किसानों ने ले लिया है सरकार में तो नहीं है विपक्ष चीज नहीं आ गई कहाँ है विपक्ष हरी बात करवा दो विपक्ष से करवा दो सत्ता से करवा दो नेता से करवा दो हारे से करवा दो जितने करवा दो कहाँ गए नेता जी आपने कहा कि विपक्ष नहीं है लेकिन आपने ये भी कहा था पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे कि अब सरकार बदलेगी सरकार आखिर कौन सा विपक्ष बदलेगा जब विपक्ष आ ही नहीं रहा आपके मुद्दे को लेकर आ जाएगा वो भी आ जाएगा कब आएगा आ जाएगा ये देश की प्रेस विपक्ष देश की सरकार आप देश के विपक्ष की राह भी ताक रहे हैं लेकिन आपको किसान जो 7 महीनों से डटा हुआ है उसके लिए ना सरकार सामने आ रही है ना विपक्ष सामने आ रहा है आ जाएगा 1-2 महीने में 4 महीने में 6 महीने और मगा मैम एक राष्ट्रीय चैनल बन रहा है और पीछे सारे चैनल वाले खबरें उठा रहे ये जानकारी है आप अच्छी क्या थी 2014 के पहले जब महंगाई होती थी तो खबरें टीवी पर आती थी अब कोई नजर नहीं आती अब की मजा बंधन बना लिया टीवी मीडिया सही से काम नहीं कर रहा है क्या सही जगह बंधन बना लिए कैद में है मीडिया कैद में है मीडिया किसान और जो आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं वो कैद में है वे भी हो जाएंगे कानून आ रहा है कौन सा कानून आ रहा है कौन सा कानून आ रहा है नेशनल चैनल एक बनेगा हाँ और उसी से ही खबरें उठा कर मीडिया वाले मीडिया पे सेंसर बोर्ड बैठा था एक मिनट हो गया क्या भाई साहब हाँ
महंगाई के साथ साथ और कौन से मुद्दे आप उठाने वाले हैं? क्योंकि आम जनता के तमाम महंगाई का उठाओगे, बेरोजगारी के उठाओगे, पत्रकारों के साथ अत्याचार हो रहा है वो उठाओगे, दो दो साल से सेंद्री निमिटी में उठाओगे, यहाँ पे हमारे झोपड़े गिर गए, तीन शेड डलेंगे ये उठाओगे, पानी सरकार नहीं दे रही यहाँ का वो उठाओगे, यहाँ की साफ सफाई भी नहीं कर रही वो उठाओगे, धरना प्रदर्शन तो करना सबका राइट है, अब पता चलेगा कौन सा एसी में रह, कौन सा बिना एसी। बहुत बड़ा सवाल है कि 7 महीने हो चुके हैं, देश का किसान 7 महीने से बैठा है, दिल्ली के तमाम बॉर्डर में बैठा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। पिछले 5,000 साल से खेती कर रहा है, लेकिन आंदोलन इतना बड़ा पहली बार हुआ है, मेरे पास आ जाओ जगह और पड़ेगा यहाँ, लेकिन अब जवाब नहीं मिल रहा है, जवाब कैसे मिलेगा? मिल जाएगा जवाब। आप अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने तमाम तरह के नारे दिए, अच्छा कैसे करें? अच्छा चलो, आप सब लोग पढ़े लिखे आदमी सारे बहुत बुद्धिजीवी है, आगे प्रदर्शन हम कैसे करो बताओ, सारी तरकीब अपनानी है। आपकी और इनका काफी कई बात करेंगे, चढ़ाई पड़ती है बाहर चढ़ा के जब बंद बताओ क्या क्या कह रहे लोग, क्या एक किसान एसी के आगे सो रहे हैं, सवाल खड़ा किया जा रहा है। मैं यहाँ बैठी हूँ ये 2 घंटे, अब कौन से कोई एसी है उसका पसीना होगा? ना ना पसीना मत, तुमसे बहुत मेरे फोटो एसी में अगर मैं लौट गया मेरे फोटो बहुत डाल ले और सब यही रहेंगे, क्या करना चुनाव, चुनाव की तो बीमारी है, क्या करना हो गया? वैसे ही ठीक नहीं, मैं वैसे ठीक नहीं है, हम क्यों थे जोड़ से सरकार है, सब अपनी यही नीचे काम कर, आपको नहीं लगता कि राजनीति में हर समस्या की चाहिए? ना ना आंदोलन राजनीति के शिकार ही हो रहे हैं, आप राजनीति के शिकार हो रहे हैं, अगर आपकी पार्टी होती चलो हमें जब नहीं रखना इसमें कोई तो यही तो भाई आराम से बैठो बच्चे बैठ जा धरती पुत्र राकेश टिके धूप में रहे ना उनके लिए, तो पीड़िता जो एसी में रहेंगे उनका आज पता चलेगा कि नहीं। आप यहाँ 2 घंटे धूप में खड़े हैं वो अलग बात, लेकिन कभी उपद्रवी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, क्या देश का किसान कई तरह के नाम दिए, क्या देश का किसान एसी में नहीं सो सकता? कई कई तरह के नाम दिए, कभी पाकिस्तानी बतावे, कभी खालिस्तानी बतावे, कभी अफगानिस्तानी बतावे, ये तो ट्रैक्टर भी जो दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर है वो कह रहे थे पाकिस्तान की तरफ का है, ये कहा जा रहा है गाड़ियाँ तोड़ी गई किसानों की तरफ से, बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर, अपना कहना है साजिश क्या है, क्या ये साजिश लग रही है, प्लान है किसके साथ? हो गया जी, एक मिनट बस बस धन्यवाद। आप क्या कर रही बड़े चैनल पे जाने तेज बोल रहे हैं? एक मिनट क्यों? अरे इसका मतलब चैनल वाले बंद है, चैनल की जरूरत नहीं है आपको, आपको मतलब भाई साहब करो सर, हो गया बेटे चल यहाँ माइक माइक आप दे दो चैनल से नाराज हो कहा पीछे माइक लाओ फोटो मुझे दे देना नहीं लोग धरती पुत्र राकेश टिके धरती पुत्र राकेश टिके मेरे हिंदुस्तान राकेश टिके राकेश टिके मजदूर एकता किसान मजदूर एकता होती तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी होती तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी होती तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी इत्तेदारी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी।
कोरोना काल में बीजेपी ने थाली बजाकर स्वागत किया था और आज जो है वो किसान महंगाई के खिलाफ हॉर्न बजाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ में। राकेश जी ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि आप जो है वो किसानों के बिल के विरोध करते करते महंगाई का आप लोग विरोध कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं आप। अच्छा जी, सर पैसा जा रहा हमारे, हम अनाज बेच कर सिलेंडर खरीदते हैं, वो राजनीति कर रहे हैं क्यों? पैसा कोई सब्सिडी मिलता, पैसा कोई फ्री में मिलता है, हम अनाज बेचते हैं, हम अपनी फसलें बेचते हैं, उसके बाद में पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, महंगाई है, हम आम आदमी भी है। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है आपको, कहाँ पर सिलेंडर भरवाना पड़ा? कहाँ मिल रहा है? वहाँ पर गाँव में तो फिलहाल क्या बोल रहे हैं और किसको भरवाना पड़ रहा है वो कितना है? ये की बात कोई नहीं, इसको कहा है डीजल के दाम इतने हाई कर दिए, किसी डीजल पर ही आधार किसान की सब खेती है, 15 रुपए आज जो बिक रहा है, उन्होंने 1975 रुपए रखा है, आज किसान गेहूँ बनिए ले रहा है 1500 रुपए में, डीजल इतना महंगा कर दिया, किसान की जीवन यापन करने की स्थिति आज ऐसी, चर्ची रोटी नहीं मिल रही है, ये अंदाज लगाइए, ये आज दूनी कर रहे हैं, कौन सी आदमी कौन सा आता है इनका बाइक में दूनी करने का, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है, और इतना लंबा आंदोलन कोई आज तक राजनीतिक कांग्रेस रही है अंदर जो भी पार्टी रही, इतना लंबा आंदोलन किसी का नहीं हुआ। बाबा जी ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से, जब मोदी सरकार आई थी कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाएगी, अर्थव्यवस्था को ऊंचाई में ले जाया जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं महंगाई के, आम जनता त्रस्त है, उन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन लगता नहीं इस आंदोलन से भी उनके कानों पर जू रही है। अब बेटा क्या बताएं भाई, अब हम अपनी बात कहेंगे, अब ये माने ना माने ये तो डिक्टेटरशिप वाली भाषाई वाली हुकूमत हो गई, जैसे डिक्टेटरशिप में उन्होंने आदेश कर दिया, तो इस तरीके की ये व्यवस्था तो प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए, ये सब व्यवस्था होगी, हम लोग डटे हैं और डटे रहेंगे, या तो गोली से खा के मरेंगे या भूखे मरेंगे, कोई विकल्प है हमारे साथ, ताना ही साहब यही और क्या, ये है हमारा। महंगाई के खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ है, इससे क्या लगता है कि तो विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष कहता है कि वो तमाम मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करेगा, लेकिन अब आप लोग उनकी जगह आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो विपक्ष के लिए क्या सवाल? विपक्ष के लिए ये है, अभी हमने ये पहले बीज बोया था नवंबर में, अब हम इस पर पानी लगा रहे हैं, 2022 में सरकार योगी जी की इन्होंने पैसे खेते खाए गए, गल्ला पी गए,
देखो बीजेपी का खेल, और इसको हम 2022 में योगी जी को यहाँ से भगाएंगे। और ये तो हमारे किसान की दम होती है कि गन्ना किसान एक साल में फसल पैदा कर पाता है, गन्ना भी एक साल में पैदा करते, दो साल में पेमेंट ले पाते। अभी हमने बीज बो दिया है और सरकार को पहले हमने 3 बिल मापे थे, आज महंगाई पा गई। जो कोई आदमी बीमार पड़ता है तो पहले उससे बुखार होता है, फिर डॉक्टर कहता है टाइफाइड टेस्ट करा लो, अब मलेरिया टेस्ट करा लो, इनके पेट में कीड़े हो गए। जितना आंदोलन बढ़ता जाएगा उतने ही मुद्दे हमारे आगे बढ़ते। आप कह रहे हैं 2022 में योगी सरकार को हराएंगे, लेकिन अभी जिला पंचायत चुनाव हुए, तमाम चुनाव हुए, वहाँ पर योगी सरकार की वाहवाही हो रही है। अगर कोई भी प्रत्याशी हमारे गांव में किसान को अगर एक धोती बांट देता है तो उस पर प्रत्याशी का मुकदमा खत्म हो जाता है। और इस सरकार को ये नहीं दिखानी है, जिला पंचायत सदस्य 50-50 लाख के बिके हैं और ये पैसे के बल पे, और ये इलेक्शन नेता नहीं लड़े हैं, ये इलेक्शन डीएम और एसपी लड़े हैं। और इन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को धमका के कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां खराब हो जाएगी अगर तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो वो तो एक आदमी का वोट ले लेना। उन्होंने दबाव में अपने ये बना लिया। बताओ अगर जिला पंचायत सदस्य कम है तो जिला पंचायत अध्यक्ष ऐसे ज्यादा हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये जो खरीद फरोख की आप बात कह रहे हैं 50 लाख में बिके जिला पंचायत सदस्य और इस तरह से चुनाव हुए, ये पहली बार नहीं हुआ है, तो क्या हमारे प्रतिनिधि चुनने में गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है? ये बिल्कुल सही बात है, जो सरकार आती है वो प्रतिनिधि बिकते तो है ही, ये निश्चित बात होती है, लेकिन जब वो गरीब को अगर पैसे बांटते हैं तो उस पर मुकदमा कायम होता है, और जो अगर रईसों को बांटते हैं तो वो भाई भाई हो जाती है, इसमें कोई जो नहीं। जब सदस्य कम, जब हमारे पास खेत कम है तो ये उपाध्याय ज्यादा हो जाएगा, जब सदस्य कम थे तो इन्हें जिला पंचायत सदस्य। अब ये ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आ रहा है, ये किस निश्चित माल में सत्ता पक्ष में जाएगा? दरोगा धमकाता है, एसपी धमकाता है, नहीं आओगे अब तो कौन सी पार्टी को लाएंगे? अब ये तो आवेद बता दे हमला फेल हो जाएगा, अभी हम अपनी रणनीति ये नहीं बताएंगे। फिलहाल कोई विपक्षी पार्टी यहाँ आपके साथ नजर नहीं आ रही है, हालांकि किसानों ने कहा है कि हम नहीं किसी विपक्षी पार्टी को मंच पर आने देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता जो मुद्दे आज आप उठा रहे हैं वो विपक्षी पार्टी? अभी पार्टी वाली कोई नहीं है, अगर चाहेगा तो संयुक्त मोर्चा मार सकता है, लेकिन पार्टी ना तो किसी का झंडा यहाँ पर आएगा और ना यहाँ पर किसी का मिल रहा हो रहा है। आप सुंदर हैं जी, क्या कहना है आपका इस प्रोटेस्ट के लिए, जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या कारण है? कहना है कि सरकार को इस टाइम पे ये 3 बिल रद्द कर देने चाहिए। हम डेमोक्रेसी में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार बहुत ही गंदा बिहेवियर है सरकार का, सर्दियों से गर्मियों में आ गए हैं। कहीं पे भी हम जब पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 26 तारीख चाहे चंडीगढ़ पहुंचे थी तब भी बैरिकेड लगा के झूठे पर्चे डाले गए हैं किसानों के ऊपर। बहुत ही मैं कहती हूँ कि सरकार का बहुत ही गंदा बिहेवियर है हमारे अन्नदाता के प्रति, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी जिनको माना जाता है। मैम ये बताइए कि जिस तरीके से चंदूरी हैं पंजाब के किसान नेता हैं बिके हुए, उनका कहना है कि किसान नेताओं को अब राजनीति में आना चाहिए, जो पंजाब में आने वाले इलेक्शन है उनमें राजनीति में आना चाहिए, उनको टिकट लेकर लड़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया कि किसान की बात अगर नहीं मानी जा रही तो किसान को राजनीति में आना चाहिए और अपने जो जिन बिलों के लिए करना चाहिए? देखिए मैं ये चाहती हूँ कि किसानों को अपने हमायती लोगों को खड़े करना चाहिए, किसान पार्टी आनी चाहिए, किसान लीडर्स को नहीं आना चाहिए बट उनको किसी को खड़े करना चाहिए, क्योंकि किसान लीडर जो एक किसान जथेबंदी है पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, उन्हें हमेशा नॉन पॉलिटिकल रहनी चाहिए, बट कुछ ऐसी किसान पार्टी आनी चाहिए जो कि जिसको सुजुक किसान मोर्चा सपोर्ट करे, और जिस तरह से कि ये जो सरकार है बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, अकाली दल आती है, तो अगर वही आते रहेंगे तो हम ऐसे मोर्चा देखते रहेंगे। तो हमें कुछ चेंज चाहिए, हम चाहते हैं कि वेल एजुकेटेड बच्चे आगे आए जो हमारे मुद्दों को उठाएं और एक ईमानदारी के साथ काम करें। थैंक यू मैम। क्या लगता है इससे पहले के जो मंत्री थे उन्होंने अपना काम किया और जो नया विस्तार हुआ है उनको भी कुछ काम करने का मौका मिलेगा? किसानों को तो कुछ सरकार अगर किसी पार्टी की तो जरूर काम मंत्री को पड़ेगी, सरकार तो कंपनी चलती है, कंपनी का काम
लेकिन कंपनी की पॉलिसी तो काफी अच्छी होती है। हाँ अच्छी तो पॉलिसी है, अभी तो अनाज के गोदामों में लग रहे हैं। ये जो भारत गैस है ये बेच रही है तो भारत सरकार इसको बेच रही है भारत पेट्रोल। ये अमेरिकन की एक कंपनी थी, ये जब अधिग्रहण कर रहा था जब 1962 में इसमें रिटेल के लिए सुनने करते था इंडियन आर्मी को, इसका जब अधिग्रहण कर तो आज इसको फिर बेच रहे हैं, यानी कि निजीकरण की तरफ जा रहा है। किसानों को क्या लगता है इससे फायदा होगा? तो नुकसान होगा, सरकार सुनेगी आपकी? सरकार वार्ता तो बंद है, एक साल बोल रहे एक साल की है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, यानी कि कुछ परिवर्तन करने वाले हैं, क्या आप बता दो जनता को आपको चलता है। ये हमारे साथ आगे से कहते थे उन्होंने साफ बहुत पैर सरकार को इशारा कर बहुत कड़ी करवा रखी है, बहुत बहुत और सरकार जनमत के आधार पर तय होता है, प्रतिनिधि जनमत के आधार पर चुनता है और उसी लोकमत के आधार पर ही प्रतिनिधि आते हैं और आएंगे प्रतिनिधि। हम लोग जनमत के आधार पर, किसानों के हित के आधार पर एक नई सरकार, नई सोच की सदन में पहुंचे। मतलब यूपी चुनाव भी है तो यूपी चुनाव में चेंज होगा इसका? हाँ बिल्कुल चेंज होगा, यूपी में अब धोखेबाजी नहीं चलेगी। इन्होंने क्या किया, आप एक सर्वे कर लीजिए गाय के प्रकरण पर, गौ वंशजों के प्रकरण पर आप सर्वे देहात में करा लीजिए, गाय 1/2 रह गई, आधी गाय रह गई, गाय खत्म हो रही, क्योंकि गाय का मूल्य ही इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने ऐसी नीति ताकि जिससे कि गाय का मूल्य कम हो गए। किनका है तो दिल्ली आ जाता देख रहे हैं। और फिलहाल लाइव हम गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये किसान हैं और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि गाड़ियां जा रही हैं, बड़े व्हीकल्स जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है और दूसरी ओर किसान सिलेंडर के साथ, पोस्टर्स के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन पोस्टर्स पर देखिए लिखा है रसोई गैस के दाम आधे करो AIKMS। और ये सिलेंडर देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, राकेश टिकैत वहाँ पर मौजूद है, तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद है और ये तस्वीरें लगातार एम न्यूज आपको लाइव दिखा रहा है। और इस लाइव में आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो है हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है और ये पूरी कवरेज आपको मिलेगी। लगातार हम इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है ये भी आपको दिखा रहे हैं। दूर तक आप देखेंगे तो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो किसान के नेता है वो मौजूद हैं और लगातार महंगाई को लेकर मोर्चा इन्होंने खोला हुआ है। आज 8 जुलाई है, आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसा कि वादा किया था। एम न्यूज की टीम आपको लाइव दिखाएगी कि आखिर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है, तो इसीलिए तमाम तस्वीरें आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं और ये पूरी रिपोर्ट आज शाम आपको मिलेगी। लगातार आप एम न्यूज देखते रहिए। देखिए यहाँ पर प्रदर्शन के साथ साथ ठंडा पानी शरबत सबको पिलाया जा रहा है, ये कोशिश लगातार किसान पहले से करते रहे हैं। गर्मी के इस वक्त में जब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, जाहिर सी बात है कि उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं किसानों की तरफ से की गई हैं।
और ये तमाम तस्वीरें लगातार आपको एम न्यूज दिखा रहा है लाइव, शाम को आपको इसकी पूरी रिपोर्ट मिलेगी। लगातार आप एम न्यूज देखते रहिए। ये तस्वीरें राकेश टिकैत देखिए सिलेंडर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब तो ये जो आप बॉर्डर पे फिलहाल खड़े हैं, हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि 22 तारीख से संसद की तरफ जाएंगे, तो कुछ बात बनेगी क्या? लग रहा है कि आप संसद की तरफ बढ़ोगे तो कुछ बात भी बढ़ेगी? हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा भाई, रोड़ा रुका होगा, कुछ होगा, बात होगी ना होगी, हाँ होगी, जाएंगे नहीं जान देंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। टिकैत जी, ना हाँ हो रही है ना ना हो रही है। बहुत सारे मंत्री बदले हैं, लेकिन जो आपसे बात कर रहे थे, कृषि मंत्री हो, पीयूष गोयल साहब हो, वो अब भी वहीं पर हैं। तो आपको उम्मीद है क्या कि बात फिर से सही चढ़ेगी या चढ़ेगी? हम लोग मंत्री बदलवाने के लिए बैठते हैं यहाँ पर, किसी का क्यों मंत्रालय सुना होगा? बहुत किसानों का मंत्रालय नहीं बदला, बाकी तो बहुत बदल गया। अरे बदल जाए तो हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा यही कि जो भी बातचीत करना है उसको सरकार फुल फ्लेश पावर देगा, ये समझौता हो जाएगा। जब पंच कान की बात सुनता होगा तो फैसला होने का ही, इसका मतलब उन्हें बताने वाला कोई और है और उनको बताने वाला कोई और है। हमने बार बार कहा अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो जरूर बात हो जाती, पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार को चलाएगी कंपनी। तो फिर संसद जाके क्या हासिल है? क्योंकि वहां पे बच्चे भी हैं, वहां भी लगा ना, कुंभ भी लगा सारा। विपक्ष से बात हो रही थी कि 17 तारीख तक आपने जवाब मांगा था, कोई जवाब आया है किसी पार्टी? 17 तारीख क्या अभी आएगी? जब 17 तारीख आ जाएगी जब अब जो है सारी चीजें, अब आप तो इशारों में बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई और है, उनके ऊपर कोई और है, आप वो है, तो मतलब अब आप बातों को दबाने लगे हैं, इशारों में बात करने लगे हैं, आप भी सियासत नेता बन गए। कुछ बात बताते हैं उसे काट छाट के, अगर हमारी यहाँ पे भीड़ आ जाए तो कह लगे ठीक है इसका टिड्डी दल आ गया, ये किसान टिड्डी दल है, तो भी टिड्डी दल है क्या? किसान जो किसान देश को अनाज देता हो, टिड्डी दल वो होता है कि वो फसलों को खाता है, हम तो अनाज देते हैं। तो जब नहीं पता के क्या कहना है, होगा चैनल वालों का, होगा एक नेशनल चैनल बन रहा देश में, सारे खबरें उससे उठाओगे, ये इस पर भी पाबंदी आ रही है मीडिया पे भी। चलिए, तो कुल मिलाकर के कहना है शिकायत साहब का कि असर जो है महंगाई का वो सब पर है, किसानों पर भी है, फसल की कीमत नहीं बढ़ी है, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है, यानी जो अनाज बनता है रसोई में उसकी कीमत 10 की 10 है, किसानों के पास पैसा नहीं आ रहा है लेकिन उन्हें ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन है। अब तैयारी संसद की भी है, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हासिल कर पाते हैं। ठीक है जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही अभी कि या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे, लेकिन ना तो मंत्री जी कृषि मंत्री हाँ कर रहे हैं ना ना कर रहे हैं, बस कह रहे हैं कि संशोधन होगा, संशोधन में मानते हैं तो मान जाइए, कानून तो वापसी नहीं लेंगे हम। तो इससे आपको तो संदेश मिल गया कि कानून वापसी तो नहीं होने वाली है, तो फिर आंदोलन खत्म होगा? कब तक तो रहेंगे? 5-7 साल का है हमारा जुगाड़ रहने का, तो 5-7 साल में भी अगर नहीं मानी सरकार फिर क्या करेंगे? जब तक ये सरकार ही नहीं रहेगी, सरकार बदलेंगे? अच्छा, रहनेगी नहीं अपने आप ही नहीं रहने की। तो टिकैत जी का साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जब ये सरकार ही नहीं रहेगी तो कृषि कानून को लेकर आखिर क्या किया जाएगा, और ये तस्वीरें टिकैत जी से भी बातचीत हमने की, तमाम जो सवाल थे वो भी पूछे, और इसके साथ ही तस्वीरें लगातार एम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं, देखिए कि जिस संख्या में कोविड से पहले किसान यहां पर हुआ करते थे, लगभग अब वही संख्या एक बार फिर से वापस आने लगी है, और अलग अलग पोस्टर्स के साथ एक संदेश ये किसान दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल मैं इस लाइव को यहां पर खत्म करना चाहूंगी, और शाम को आपको इस पूरी रिपोर्ट से हम लोग रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ आज हमने बातचीत की और तमाम जो सवाल टिके जिसे हमने पूछे वो भी आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे। एम न्यूज लगातार देखते रहिए, क्योंकि सच बहुत जरूरी है और इसी सच का साथ देने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद।